हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी हम बना रहे हैं खाना। तो खाने में आज हम बना रहे हैं जो काला वाला चना होता है ना, बहुत लोग उसे काला चना, बहुत लोग उसे लाल चना कहते हैं, उसी चने का निमोना। तो बस वो चना पीस लिए हैं, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक ये सब पीस लिए हैं। और कढ़ाई में जो है, ये कढ़ाई मतलब लोहे की ही कढ़ाई में बनता है। तो पहले हम जो है वो उसको जो बड़ी होती है उड़द दाल की या मूंग दाल की बड़ी, उसको फ्राई कर लेते हैं। फिर जो भी प्याज लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट बनाए थे उसको डाल के डेली रूटीन के मसाले के साथ उसको फ्राई कर लेते हैं। और बाद में वो पीसा हुआ चना जो है उसका पेस्ट बनाए थे उसको डाल के अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको भुनना रहता है। और ये जितना भुनेगा उतना अच्छा इसका कलर आएगा। ये देखिए कलर बिल्कुल इसका चेंज हो जाता है और ये ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे हरी मटर का आता निमोना का कलर ना, तो उसी तरीके से इसका भी कलर हो जाता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। गर्मी में कभी कभी निमोना खाने का मन होता है तो फिर ये इसी तरीके से हम निमोना बना लेते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसका देखिए बिल्कुल जो है वो कलर चेंज हो चुका है, हरा हो गया है, जैसे हरी मटर का रहता है उसी तरीके से हो गया। तो बस खाना पीना बनने के बाद हम जो है चले आते हैं अपना दोनों रूम एक सा करने। वैसे तो मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, झाड़ू भी हो चुका है, आज गुरुवार था तो हम झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं, तो झाड़ू भी हो चुका है, पूजा भी हो चुका है, बस बेड एक सा करना बाकी रह गया था। तो हम सोचे चलो उसको भी कर लेते हैं। तो ये कुछ कपड़े धुले हुए थे, इसको हम तह बना के रख देंगे इसकी जगह पर। और फिर चादर वादर ठीक कर देंगे क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है ना कि हाँ पूरा मतलब एक सा बेड करो, उसके बाद झाड़ू पोछा, फिर खाना। सुबह बहुत भागम भाग रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और इधर भी तो ऐसा हो गया है कि क्या ही कहें, मतलब दिन भर काम करो फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एकदम लगता है कि कोई इंसान नहीं मशीन हो गया, इतना ज़्यादा काम फैला। एक काम ख़त्म करो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। इधर आजकल बारिश भी होने लगी है, उधर तो बारिश नहीं हो रही थी लेकिन फिर बारिश भी होने लगी, तो थोड़ा बहुत पानी है ना उधर से खुला है हॉल में तो वो घर में आ जाता है, तो उसी की वजह से थोड़ा बहुत काम ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं, तो कभी छत पे डालो फिर कभी अंदर डालो, इन्हीं सब में पूरा दिन लग जाता है। तो एकदम लगता है कि अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना ज़्यादा काम था। फिर वो जन्माष्टमी था उसका भी वीडियो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उस समय मेरी तबीयत भी नहीं सही थी और मतलब कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा था, तो फिर जैसे तैसे अपना हो गया। तो मतलब कल अभी छठी पूजा हुआ था, तो छठी पूजा का तो वीडियो इसी में हम लास्ट में ऐड कर देंगे। कल भी हमको टाइम नहीं मिला क्योंकि सुबह 8 बजे तक हमको ये पूजा करना था और काफ़ी मतलब खाना पीना भी बनता है तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए हम फटाफट से जो है पहले पूजा कर लिए और थोड़ा सा लास्ट में क्लिप बना करके इसी वीडियो में हम जो है ऐड कर देंगे। और ये वाला वीडियो मेरा 2 दिन का जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसी में हम ऐड करते गए हैं। तो बस ये देखिए जो वहाँ पे हम जन्म किए थे वहाँ पे हम साफ़ सफाई कर देते हैं, रंगोली बनाए थे झूला बना के हटा दिए हैं, उसको रख दिए, रंगोली जो बनाए थे उसको साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद अपने इस वाले कमरे में आ जाते हैं, यहाँ पे बेड सही कर लेते हैं और चादर भी मतलब चादर तो सही है फिर भी एक बार झाड़ देंगे तो सही रहेगा क्योंकि बच्चा कुछ कुछ खाता रहता है तो ऐसे बेड पर गिर जाता है। और इसका कॉपी किताब इन सबको सही से कर देंगे, एक जगह रख देंगे, तो इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है और मतलब काम ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक काम ख़त्म करो तो अगला चला आता है, लगता है इसको भी कर लो और ऐसे फैला रहता है ना, तो बहुत उलझन सा लगता है। लगता है पहले काम ख़त्म कर लो फिर तब जाके कुछ रिलैक्स मिलेगा, अपने लिए टाइम मिले या ना मिले लेकिन काम ज़रूरी है। और ये इसका प्रोजेक्ट वाला चार्ट पेपर था, ये जो है खोल दिया था, इसको बार बार सही करते हैं, बार बार ये खोल करके इसको कुछ कुछ करने लगता है। तो हम बोले लाओ इसको अच्छे से खोल मोड़ के और उसमें टेप लगा के रख देते हैं। तो बस इस रूम को भी हम एक सा करेंगे, सुबह सुबह ये सब काम हो जाता है ना तो सही रहता है। और उसके बाद बस यही मेरा काम ही रह गया है कि अब मतलब बेड उड सही कर देंगे और बस खाना पीना तो सब हो ही गया है, साफ सफाई भी हो चुका है, बर्तन भी जो भी बना का खाना पीना उसका भी बर्तन सब एक सा निकाल के सब साफ़ कर दिए हैं, पूजा के पास भी सब चौक हटा दिए हैं,
सारा कुछ क्लीन हो चुका है, बस यही बेड रह गया था। तो हम बोले चलो दोनों रूम भी एक सा कर देते हैं, क्योंकि जब तक बेड जो है वो एक सा नहीं रहता है, गंदा रहता है, तब तक घर भी गंदा लगता है। तो पहले मेरा ये हुआ कि इसी को हम सही कर देते हैं, और ये देखिए दोनों रूम जो है एक सा कर दिए हैं, अब मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया। और ये जो है एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन हम इसी में ऐड कर दिए हैं लास्ट में, क्योंकि आज मॉर्निंग से स्टार्ट किए थे हम ले लाओ, फिर बाद में याद आ गया कि वो वाला भी डोनट्स बना रहे थे, तो वो भी तो वीडियो है, तो इसी में हम ऐड कर देते हैं। तो बस ये छठी पूजा जिस दिन हुआ था उसी दिन का ये वीडियो है, और शाम को हम बनाए थे डोनट्स। तो बस मैदा लिए हैं 2 कटोरी, उसमें थोड़ा सा हम जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल दिए हैं, और पिसी हुई चीनी डाल करके एक अच्छा सा वो घी और दही के साथ इसका डो लगा लिए हैं, और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए इसको रख दिए हैं। और इसको देखिए जब अच्छे से रेस्ट हो गया है, तो हल्के हाथ से इसको जो है थोड़ा सा गूंद के, और वो एक रोटी के जैसे थोड़ा मोटी मतलब रहता है उस तरीके से इसको बेल के छोटा छोटा एक गिलास की सहायता से इसको कट कर लेंगे, और वो एक छोटा ढक्कन लिया उससे जो है डोनट्स का शेप दे देंगे। और ये घर में ही बहुत दिन से कह रहा था डोनट्स के लिए, तो हमें बस वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है ना, ये सब चीज़ के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए हम बना नहीं पा रहे थे। तो हम ले चलो अच्छा आज बना देते हैं डोनट्स, तो बस वही हम वो डोनट्स बना देते हैं। और ये देखिए डोनट्स का शेप दे दी, बहुत जल्दी फटाफट से बन जाता है। उसके बाद इसको जो है हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ये सब काम में ना थोड़ा सा समय लगता है, चाहो कि फटाफट से हो जाए तो मुश्किल रहता है, थोड़ा सा मतलब अलग सा ये सब काम है, और इसीलिए हम काफ़ी दिन से डिले करते करते हम ले चलो अच्छा आज बना ही देते हैं। तो बस ये देखिए मेरा डोनट्स गोल्डन फ्राई वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो बस इसी तरीके से सारे डोनट्स को हम डीप फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डेयरी मिल्क चॉकलेट है उसका गनाश तैयार करके सारे को उसमें डीप करके दे देंगे इसको खाने के लिए, ये भी खुश हो जाएगा कि चलो बना दी। और ये देखिए मेरे सारे डोनट्स बनके रेडी हो चुके हैं, और खाने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा था, बहुत ही बेहतरीन। तो कभी कभी इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिए हैं, यही इसको लंच में भी दे देंगे कल, तो बस इसका कल लंच का भी हो जाएगा। ये इसको रखे हैं 3 ठो, ये कल हम जो है लंच में दे देंगे, अपना खा लेगा सुबह सुबह। और ये देखिए जो है मेरा डोनट्स बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही बेहतरीन लगा था। बस इसी में जो है हम और उसके बाद इसी में हम छठी पूजन का भी वीडियो ऐड कर दिए। तो ये देखिए मेरा छठी पूजन का वीडियो, कढ़ी चावल अचवानी और वो जो गुड़ का लड्डू होता है हलवा पूरी सारा कुछ बन गया है, और कृष्ण भगवान भी नहा लिए हैं। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, सुबह का सारा मॉर्निंग रूटीन जो है सारा कुछ होता है, झाड़ू पोछा। वैसे भी आज गुरुवार था तो आज पोछा नहीं लगाने को, तो बस झाड़ू भी हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया, ये सब काम सुबह ही हो गया, खाना भी मेरा बन चुका है, बेड दोनों रूम का एक सा कर लिए हैं। तो अभी फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस अभी थोड़ी देर हम आराम करेंगे। बाबू अभी नहा रहा है, नहा के आएगा तो बस कुछ खाएगा पिएगा, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर वीडियो एडिट करेंगे। तो चलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ये वीडियो मेरा 2 दिन का मिक्स वीडियो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का, इसीलिए छोटी छोटी क्लिप ले लिए हैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।